अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। एआई के सब्जेक्ट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं एजेंट्स क्या चीज़ है। ठीक है, एजेंट क्या है? कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, हमारे एआई सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट से परसीव करके, ठीक है, कुछ भी वो जो उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, परसीव करके, कोई भी सेंसर के थ्रू परसीव करके कोई भी वो फंक्शन या एक्शन उसकी बेस पर वो परफॉर्म करे। ठीक है, और एक्शन किस चीज़ के ज़रिए से परफॉर्म किया जाएगा? ऑपरेटर्स के ज़रिए से। ठीक है, जो जैसे कि रोबोट है तो उसके जो पार्ट्स हैं, हैंड्स हैं या लेग है, ठीक है, ये उसके क्या है? ऑपरेटर्स। तो देखते हैं ह्यूमन एजेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आइज, ears and other organs for sensors, जो भी हम sense करने के लिए जो हमारे organs यूज हो रहे हैं वो क्या हैं? हमारे agents। और actuators कौन से हैं? hands, legs, mouth और other body parts। अब robots के agents कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो sensor agents उसके कौन से हैं? cameras या infrared range finders। ठीक है, और actuators उसके क्या हो सकते हैं? motors। अब क्योंकि रोबोट जो बना होता है, अगर उसके हैंड्स मूव कर रहे हैं या लेग्स मूव कर रहे हैं या उसका हेड मूव कर रहा है, तो वो किस तरह मूव कर रहा है? तो वो मोटर्स की बेस पर ही मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ जो इसका लिंक है एजेंट्स का, वो किस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि जो भी एजेंट होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और वो फंक्शन किस बेस पर परफॉर्म कर रहा होता है? किसी ना किसी प्रोग्राम, ठीक है, उसकी बेस पर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? द एजेंट फंक्शन मैप्स फ्रॉम परसेप्ट हिस्ट्रीज टू एक्शंस। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से वो परसीव कर रहा है उसकी बेस पर जो वो एक्शंस ले रहा है वो उसके क्या हैं? फंक्शंस हैं। ठीक हो गया, और प्रोग्राम्स क्या हैं? ठीक है, प्रोग्राम्स वो कोड है या वो प्रोसीजर है जो उस के फिजिकल पार्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। जिस तक क्या लिखा था, एजेंट प्रोग्राम रन्स ऑन द फिजिकल आर्किटेक्चर टू प्रोड्यूस फंक्शन। ठीक है, कि फिजिकल पार्ट्स मतलब कि हमने कोई ना कोई प्रोग्राम उसके लिए इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर इसका हैंड मूव करवाना है, ठीक है, तो उसका ये प्रोग्राम है, इसकी लेग्स मूव करवानी है तो ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो एजेंट के प्रोग्राम्स हैं। तो एजेंट एक्चुअली क्या है कि आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड के। हमारे पास कोई एक वैक्यूम है तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है? ठीक है, कि उसकी परसेप्शंस क्या हैं? लोकेशन और कंटेंट। अब लोकेशन क्या है कि वो ए लोकेशन पर है या बी लोकेशन पर है। कंटेंट क्या है? डर्ट। और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है लेफ्ट पर या राइट पर, ठीक है, या फिर वो डर्ट क्लीन कर रहा है या फिर नो ऑपरेशन। अब देखते हैं कि रेशनल एजेंट्स, ठीक है, रैशनैलिटी क्या है एजेंट्स की। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, रैशनैलिटी मीन कि डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? एन एजेंट शुड स्ट्राइव टू डू द राइट थिंग्स। ठीक है, कि जो काम उसको कहा गया है वही काम उसने परफॉर्म करना है। ठीक है, ये उस एजेंट की रैशनैलिटी है। ठीक है, अब यहां पर देखें क्या लिखा है, द राइट एक्शन इज द वन दैट विल कॉज द एजेंट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, उस राइट एक्शन की बेस पर ही हम कह सकते हैं ना कि ये एजेंट जिस काम के लिए बनाया गया है ये सक्सेसफुल है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस मेजर कैसे है? ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर सक्सेस ऑफ एन एजेंट्स बिहेवियर। किसी भी एजेंट की हम परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर करेंगे? ठीक है, वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो कितने सक्सेसफुल हैं,
उसकी बेस पर हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि परफॉर्मेंस मेजर ऑफ वैक्यूम क्लीनर क्या है कि वो कितनी डर्ट क्लीन करता है, ठीक है, कितना टाइम लेता है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और कितना शोर जनरेट कर रहा है वो, ठीक है, नॉइज जनरेट कर रहा है। इसकी बेस पर हम उस एजेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अब यहां पर क्या लिखा है, फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस रेशनल एजेंट शुड सिलेक्ट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है, कि उसको ऐसे स्टेप्स, ऐसे एक्शन या स्टेप्स ही कह सकते हैं कि उसके पास सिलेक्शंस हैं, ठीक है, वो तो वो ऐसी सिलेक्शन पे चलेगा जो उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, मैक्सिमाइज, ठीक है। अब यहां पर एक बात और है कि रेशनैलिटी ये नहीं है कि आपके पास उस चीज का क्या है, इनफिनिट नॉलेज है कि आप उस चीज के मुतालिक हर चीज जानते हैं, ये रेशनैलिटी नहीं है। रेशनैलिटी क्या है कि जो आपको फंक्शन कहा गया है, जो एजेंट को फंक्शन कहा गया उसको वो ठीक तरह से परफॉर्म करे, ठीक है। अब क्या है कि एजेंट्स कैन परफॉर्म एक्शंस इन ऑर्डर टू मॉडिफाई फ्यूचर परसेप्ट्स सो एज टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि एजेंट्स क्या करते हैं, परसेप्शन अपने पास, अब उन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, तो उसको वो अपने पास फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें ये फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से परफॉर्म करना है। और फिर क्या कहता है, एन एजेंट इज ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस क्या है कि वो खुद ही वर्क करता है, इफ़ इट्स बिहेवियर इज डिटरमिंड बाई इट्स ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, वही बात कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो ये इसको ऑटोनोमस कहेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो आर्टिफिशियल हमारे पास सिस्टम है वो यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे सिस्टम हो जो एक्सपीरियंस की बेस पर नेक्स्ट टाइम खुद ही डिसीजन करें। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, ऑक्टेटर्स और सेंसर्स किस तरह से होंगे किसी भी एजेंट के, ठीक है। हमारे पास एक एजेंट है, एक टास्क है, क्या है, डिजाइनिंग एन ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर। अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या है, ठीक है, सेफ होनी चाहिए, फास्ट हो, ठीक है, लीगल है, कंफर्टेबल ट्रिप हो, ठीक है, जो जर्नी है, और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये चीजें उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब इन्वायरमेंट में क्या आता है, ठीक है, रोड, बाकी ट्रैफिक है, ठीक है, लोग हैं और कस्टमर्स हैं। अब उसके ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है, ऑपरेटर्स में आता है स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर है, ब्रेक्स हैं, सिग्नल है, हॉर्न है, ठीक है, ये उसके पार्ट्स हैं। अब सेंसर्स क्या हैं, कैमराज, ठीक है, सोनर और स्पीडोमीटर, जीपीएस, ये चीज़ें सारे उसके सेंसर्स में आ रही हैं, ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, ठीक है। अब इस एजेंट के परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस मेजर किस तरह से करेंगे, हेल्दी पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, कि पेशेंट, और उसके बाद कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक हो गया। और इन्वायरमेंट में क्या आता है कि पेशेंट है, हॉस्पिटल है, स्टाफ है, ठीक है। और ऑपरेटर्स में क्या है हमारे पास, स्क्रीन डिस्प्ले, क्योंकि हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा, वो सारे चीज़ें या जो हमने उसको रेफर करना है, ये सारी चीज़ें किस पर डिस्प्ले होंगी, स्क्रीन पर। और सेंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंसर में हमारे पास कीबोर्ड, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, एंट्रीज करेंगे, फाइंडिंग्स करेंगे, ठीक हो गया। अब एक और एजेंट है हमारे पास, वो क्या है, पार्ट पिकिंग रोबोट, ठीक है, कि कोई भी एक रोबोट है वो पार्ट्स को किसी जगह से पिक करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इस तरह से होगा। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या है कि परसेंटेज ऑफ अ पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स, ठीक है, कि कितने पार्ट्स
वो ठीक तरह से पिक करता है, ये उसकी परफॉर्मेंस। यहाँ से हम मेजर करेंगे कि कितने टाइम में कितने पार्ट्स वो पिक करता है। इन्वायरमेंट क्या है, बिन्स और फिर बेल्ट है जो उस उन पार्ट के साथ है कि वो किस तरह से उठाकर जो जिसके ज़रिए से वो रखता है। ऑक्टेटर्स क्या हैं, उसके आर्म्स और हैंड्स, ठीक है। सेंसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, कैमरा, जॉइंट एंगल सेंसर्स, ठीक है, कि कैमरा लगा है जिसके ज़रिए से वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जॉइंट एंगल सेंसर्स जो जिसकी बेस पर वो सेंस करेगा कि हाँ कितने एंगल पर इसने मूव करना है और कहाँ पर इसको उसने प्लेस करना है। ओके okay?